अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे बाबा किचन में बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, वो है बीफ रोस्ट फ्राइड। और ये ईद स्पेशल रेसिपी है और आप डेफिनेटली इसको बहुत पसंद करेंगे। इसका टेस्ट, इसका टेंडरनेस जो इसके अंदर आएगी और जो फ्लेवर इसके अंदर हम देंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीफ का पीस है, इसको हम थोड़ा सा प्रेक कर लेंगे और इसमें हम पपीता और लेमन का जूस जो है वो ऐड करेंगे। ये लेमन और पपीता का जूस है और ये गार्लिक पेस्ट है और ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, पीसी भी पाउडर, नमक है, ये वेनेगर है। हम की तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे हाथों से, ताकि अंदर तक थोड़ी देर यानी कि 15 मिनट तक हमें थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है, ताकि अच्छे से ये पकड़ ले। तो ये हम इसको मिक्स करने के बाद रेफ्रिजरेट कर देंगे। एक दिन करें आप, दो दिन करें, डिपेंड ऑन यू। 20 घंटे हमारे हो गए हैं, हमने इसको दो तीन दफ़ा पलटा है ताकि मैरिनेट अच्छे तरीके से हो जाए। और अब हम इसको जो है थोड़ा सा कुक करेंगे स्टीम से, यानी कि थोड़ा सा हम इसको भाप में उबालेंगे इसी के पानी में पौने घंटे के लिए। तो इसको हम अब हम इसे कवर उठा देंगे, पानी खुश्क होने देंगे। आप जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम काट लेंगे इस तरीके से पीसीस को, और काटने के बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम जो शैलो फ्राई करेंगे इसमें भी हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे। काली मिर्च हो गई, कुटी मिर्च हो गई, ये हम इसमें ऐड करेंगे शैलो फ्राई करते वक्त। और ये बड़ा जूसी सा, एकदम टेंडर सा बन गया है, बहुत टेंडर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का आप बनाया। इंशाल्लाह ताला आपको यही टेस्ट और यही आपको मज़ा मिलेगा। आप इसको एज इट इज़ बनाइएगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हम थोड़ी सी कुटी मिर्च वगैरह इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से ऊपर। अच्छा, ये मैं आखिर में इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो फ्रेशनेस रहती है ना, जो फ्लेवर रहते हैं स्पाइसीज का, ये बड़ा मज़ेदार होता है। अब जैसे ब्लैक पेपर मैं आखिर में डाल रहा हूँ, बिल्कुल फ्राई के टाइम पर डाल रहा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इससे ये होता है जब फ्राई होती है तो एक ख़ास एक अरोमा भी आता है काली मिर्च का। और हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और यही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे। कुटी मिर्च में थोड़ी सी डालेंगे दोबारा से, आधे टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा हम अपने हिसाब से जो है वो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जो है वो छिड़क लेंगे, और आखिर में लेमन के साथ। ये देखें तो मज़ेदार सी डिश है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएँ, इस ईद पर खिलाएँ, ख़ास तौर पर दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह।